Hello dear students, करते हैं हम लोग next questions from the topic inverse trigonometric functions. इसमें हमने cover करना है question number 20 and 21. तो start करते हैं question 20 से. यहाँ पे हमारा question है find values of each of the following. तो question 20 में हमें given है, it is sine 5/3 minus sine inverse minus half. तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी किसी इनवर्स फंक्शन में अंदर नेगेटिव जैसे वैल्यू है तो तुम्हें रूल ध्यान रखने हैं. तो क्या रूल है हमारा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये रूल है. इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो ये तो साइन ऐसे रहा, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिया 5/3 माइनस, यहाँ पर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स के बेसिस पर ये ऐसे आ जाना है साइन इनवर्स हाफ. ठीक है, नाउ इट इज साइन 5/3, ये माइनस इनटू माइनस, इधर क्या हो गया ये प्लस हो गया, और साइन इनवर्स हाफ. अभी आ गया साइन 5/3 प्लस. अब हमें देखना है साइन की वैल्यू हाफ कब होती है. तो कब हाफ होती है, रेडियंस में अगर हम देखते हैं तो इट इज एट 5/6, तो यहाँ पर ही आ गया 5/6. ठीक है, सो दिस इज साइन 5/3 और 5/6 को ऐड किया, एलसीएम ले लिया 6, तो दिस इज 2π प्लस 5, सो इट इज साइन 3π/6. तो कैंसिल किया इसको तो कितना आ गया साइन 5/2 विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी. अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 में भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमने टैन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3. तो जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ही हमारे पास इनवर्स में नेगेटिव आ जाता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुमने नेगेटिव को एडजस्ट करना है. तो कॉट इनवर्स में नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है, सो यूजिंग दिस टैन इनवर्स रूट 3, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, टैन इनवर्स रूट 3 माइनस इस वाली, ये माइनस ऐसे लिखना है. अब ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स इस बेसिस पर हमारा बन गया पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3. ठीक है, नाउ इट इज, अब हम देख सकते हैं टैन की वैल्यू रूट 3 कब होती है, 60 पे, तो इट इज 5/3 माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन किया माइनस 5, इधर ओपन किया तो ये बन गया प्लस कॉट इनवर्स रूट 3. अब इसको ऐसे लिखते हैं 5/3 माइनस 5, फिर देखना है अब यहाँ पे नेगेटिव वगैरह सब खत्म हो गया तो कॉट की वैल्यू रूट 3 कब होती है, तो कब होती है कॉट की वैल्यू रूट 3, इट इज एट 30 डिग्री, तो 30 यानी इट इज हो गया पाई बाई 6. अब ये सारा इसमें एलसीएम ले सकते हैं तो 6 हो गया, सो इट इज 2π माइनस 6π प्लस 5. ठीक है, तो इट इज हाउ मच, यू कैन से इट इज माइनस 3π/6, कैंसिल कर दिया तो माइनस 5/2. तो ये आ गई हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू. तो ठीक है, अगर बच्चे अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो ओके, थैंक यू.